हादसात से बचाए और तमाम इस पे बसने वाले लोग अमन और खुशहाली का तजर्बा करें और ज़िंदगी गुजारें। आज की इबादत गुजराने जाएगी मरहूम ईमानदारों महंगा मसीह, नूरा मसीह, प्यारो बीबी हनीफा बीबी जैन आयमन के लिए कि मेहरबान खुदा ने बदिया राम अता करें, और शुक्रगुजारी के लिए यूसुफ योहन्ना के लिए कि खुदा इसके खानदान की तमाम शुक्रगुजारी के नजराने कबूल फरमाए। आज हम अपने मुकादमों का इकरार करें, वक्त लम्हों को याद करें जिसमें रहते हुए खुदा की नज़र में और एक दूसरे की नज़र में गुनाह किए हैं। आए खुदा से एक दूसरे से माफ़ी मांगें ताकि लाइफ और वाजिब तौर पर हम आज की पाक नमाज के अक़दस क़ुरबान में शामिल हों। मैं कादर पुत्र खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों बातों Bye.
नहायत मेहरबान खुदा, तूने अपने प्यार करने वालों के इन दिन की अच्छी चीज़ें तैयार कर रखी है। हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से मामूर कर, ताकि हम हर बात में सब चीज़ों से बढ़कर तुझे पीछे मोहब्बत रखे और तेरे इस वादे का पूरा हमने देखने पाए जो हमारी हर से कभी ज़्यादा आजी है। मसीह खुदा के वसीले से तो तेरे साथ रूह कुदस के वरदान में तुमने खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और संतुलन करता है।
मुकदस खलूस सुरखा पर इब्रानियों के नाम 12 बाब पहली 4 आयत। ऐ भाइयों, जबकि गुमाहों का इतना बड़ा बादल हम को घेरे हुए है, तो हम एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है उतार कर सबर से इस दौड़ में दौड़े जो हमारे सामने हैं, और यीशु को ताकते रहें जो ईमान का बानी और मुकम्मल करने वाला है। जब जिसने उस खुशी के लिए जो उसके सामने थी रसवाई को ना चीज़ जानकर सलीब को बर्दाश्त किया और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा है, तुम उस पर गौर करो जिसने गुनाहगारों की इतनी बड़ी मुखालफत की बर्दाश्त की। ऐसा ना हो कि तुम बेदिल होकर हिम्मत हार दो, क्योंकि तुमने गुनाह से लड़ने में अभी तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें तुम बहा हो। पाकलाम के पढ़े और सुन जान पर खुदा की बरकत हो। खुदा पर
भरोसा रखने वाला, खुदा पर ईमान का इकरार करने वाला, ईमान में वफादार, साबित कदम नबियों में से जोशीला और खुदा के कलमे को पहचान कर वही कलमा दूसरों को देने वाला और उसे उससे जात का दीदार या उसे एक हौस में, एक गड़े में या एक कुएं में लटका दिया जाता है जिसमें कीचड़ है, बेशक उसमें पानी नहीं है और वो शायद अगर पानी होता तो वो उसी वक्त ही मर जाता, लेकिन कीचड़ पड़ा हुआ है। यदि इसराइली प्यार जो वो मुफक्करे वो लोग जो इर्मिया की मुहावत करते हैं, आज वो नबी को दिख करते नजर आते हैं, नबी को सताते नजर आते हैं, नबी को आजाद देते हुए नजर आते हैं, वो नबी को अपने से बाला कर नहीं समझते। वो समझते कि ये खुदा का पैगंबर जरूर है लेकिन हम खुदा है, ये पैगंबर है हम खुदा है। और फिर उसे इन मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। जब नबियों पर मुसीबतें आती है तो वैसे ही दुख और मुसीबतें हमारे खानदानों में, हमारी जिंदगियों में, हमारे अपने घरानों में आती है, अपनी जिंदगी में भी आ सकती है। कहीं पर इल्जाम तराशी का शिकार हो जाते हैं, कभी भी दुखों का शिकार हो जाते हैं, कभी लालच का शिकार हो जाते हैं, यदि मौके तरह की वाय हमारी जिंदगी में भी असरार करती है। अगर ये दुनिया नबियों को तंग करती है, अगर ये दुनिया खुदा की मंसूब को तंग करती है जिसे खुदा ने चुना है, भेजा है, बुलाया है, ये उसे भी तंग करती नजर आती है। ये दुनिया का रस्म और रिवाज है कि वो ना चाहते हुए, हाँ ये जरूर है कि खुदा नबियों के बारे में ये जरूर कहता है कि वो मेरी आग की पुतली की, अगर कोई उन्हें आजाद देता है तो मुझे आजाद देता है, अगर कोई नबियों को तंग करता है मेरे बेटियों को तंग करता है, मेरे बेटियों को सताता है तो वो मुझे सताता है, क्योंकि वो किसके नाम पे आता है, दारा उसी के नाम पे आता है। लेकिन लोग अपने हठधर्मी रवैयों, अपने चालबाजियों, अपनी सियासत और बाकी चीजों की वजह से नबी को आजाद देते हैं। बादशाह नहीं चाहता कि ये इर्मिया जो है वो खुदा की सच्चाई पर कायम है, वो सच्चाई पर समझौता नहीं कर रहा, वो नहीं चाहता कि सच्चाई को छोड़े और कलाम मुकद्दस में मुकद्दस पालों से सुर फरमाते हैं कि अगर तुम सच्चाई पर चलो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चा होना, सच्चाई का साथ देना कठिन है, मुश्किल है, इतना सारे सच्चाई के रस्ते पे चलना, सच्चाई को अपनाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि दुनिया की बहुत सारी चीजें हमें अपनी तरफ मायल कर लेती, खींच लेती है। जैसे मकनातीसी कुंवर एक दूसरे को खींचती, वैसे भी जो है बुराई इंसान को अपनी तरफ मायल करता है। लेकिन इर्मिया बेशक दुखों में भी आया, तकलीफों में का भी सामना करना पड़ा, लेकिन खुदा का वफादार रहा। और यही खुदा हम सबों से चाहता है कि इस धरती पर रहते हुए हम खुदा के वफादार रहे। आज की दूसरी तलावत में अपराधों के नाम खत्म से हमने सुना, जिसमें हमें जो तंबीह की डाली है, हमें वो जो गुनाह का बोझ है, जब गुनाह के तले दबे हुए हैं उन्हें निकालने की जरूरत है। और फिर वो कहता है कि हम ऐसे दौड़े जो हमारे सामने और यीशु को ताकते रहना जो ईमान के बारी और मुकम्मल करने वाला है। अब फिर उससे हमारे आकर खुशी के साथ उस रसवाई को नचे जाकर सलीब को प्रदान,
जिससे गुनाहारों ने इतनी बड़े आलोक को प्रदान किया। यीशु को ताकना, यीशु को देखना, यीशु पर निगाह करना और यीशु में एक हो जाना। पालुस कहता है कि मैं निगाह करके तू मुझ में जिंदा है। जड़ में फरमाते हैं कि जब वो चर्च में आते हैं तो चर्च में सिर्फ वो यीशु को ताकते रहते हैं, अक्सर सैक्रामेंट में वो यीशु को देखते रहते हैं, बोलते नहीं। यही उनके दबाव है कि मैं अपने प्रभु को देखता और वो मुझे देखता है। शरीर जब भी हम पहनते हैं, घरों पे लगाते हैं, घरों में से जाते हैं तो उपराधी के नाम पर तो मुसलसल उसे ताकते, मुसलसल उसे देखे। और जब हम उसे मुसलसल ताकते हैं तो हमें याद रहता है कि उसने हमारी खातिर कितनी बड़ी रसवाई का ताक अपने गले में डाल दिया। सलीब जिसे लानती मौत कहा जाता है, जो सलीब पर कुर्बान हुआ है उसे लानती मौत कहा जाता था, लेकिन वो हमारे गुनाहों की खातिर, वो हमारे कसूरों की खातिर, वो हमारी खातिर गुनाहगार बन जाता है ताकि हमें राहत दे सके। वो हमारी खातिर सब कुछ बर्दाश्त करता है। फिर इसे सो आज हम यीशु की खातिर क्या बर्दाश्त करते हैं? कभी कभी हमारे लिए सब कुछ मुश्किल हो जाता है, कभी कभी चर्च जाना मुश्किल हो जाता है। छोटा सा काम है हमारे जुम्मे कि यीशु को ताकना, यीशु को देखना, यीशु पर निगाह करना, यीशु की जिंदगी पर ध्यान ध्यान करना, उसे अपनी दुनिया का खालिक और मुरज्जी मानना, उसे मानना। उसने मेरे कुल गुनाहों को खातर कुर्बान किया, वो मुझे बचाना चाहता है, वो मुझे छुड़ाना चाहता है, वो मुझे नजात देना चाहता है। और जब जब हम सलीब को ताकते हैं, सलीब को देखते हैं, तब उसकी कुर्बानी को याद करते हैं कि उसने हमारी खातिर कितनी बड़ी कुर्बानी दी। मेरे जैसे जब भी हम उसकी सलीब को देखते हैं तो वो हमें बावर करवाता है कि तुम भी कुर्बान दूसरों के खातिर है। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों के खातिर कुर्बान हो जाते हैं। अगर पिछले सालों में देखा जाए 2015 में आकाश जैसे मुकदसिन के पहले दर्जे में यानी सेफ होने के लिए, बुलाने के लिए, मुबारक होने के लिए उसका पहला स्टेप लिया गया है पाकिस्तान में। ये पहला अगर बनता है तो ये पहला मुकदस होगा जो दूसरों की बात कर कुर्बान होता है। जहानाबाद के सामना में उसने क्या किया, उसे पता था कि मैं इस डेथ क्लब को पकड़ रहा हूं, मेरी मौत हकीकत में वाकया होगी। क्या करे जैसे कि बॉडी पार्ट भी दिख रहा है। देखो उसने उन लोगों की खातिर कुर्बान कुर्बान हो ऐसा काम नहीं, इसमें बहुत बड़ा दिख रहा था, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। जानते हुए, सब जानते हुए कि ये करने से मुझे मौत आएगी, यीशु को पता भी था कि मैं क्या करने वाला हूं, क्या कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो हमारी खातर गुनाह बन जाता है। वो पुकार कर कहता है तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर, गुनाह कर दिया उसने, लेकिन वो हमारी खातर गुनाह बन जाता है। यीशु अगर हम यीशु को ताकते हैं, यीशु को देखते हैं तो फिर यीशु की खूबियां, यीशु की क्वालिटी, यीशु की जिंदगी में चलना, उसकी चार बात सलसल नजर आती है। वो रहम का सामना है, वो हलीम और प्रोटक है, वो सदर करने वाला है, वो प्यार करने वाला है, वो लोगों पे भरोसा रखने वाला है, वो लोगों को शिफा देने वाला है, वो मोजज़ात करने वाला है। मतलब यीशु सब कुछ अपना आप कुर्बान कर देता है, अपने बाप पर पुख्ता ईमान है और फर्माबरदारी के साथ अपने बाप की मर्जी को पूरा करता है। वो हमें भी दान देता है। जब जब हम सलीब को ताकते हैं तो सलीब हमें फर्माबरदारी की तरफ लाती है, सलीब हमें कुर्बानी की तरफ लाती है, सलीब हमें निजात की तरफ लेकर आती है, सलीब हमें जिंदगी देना चाहती है। जब यीशु कहता है जब वो जिंदगी पाए बल्कि कसरत की जिंदगी पाए,
जब तुम सलीम की तरफ देखते हैं तो सलीम हमें हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार करती है, हमेशा की खुशी में हमें देना चाहती है, हमेशा तो वतन में हमें लेकर जाना चाहती है। तो आए इस सलीम के पैगाम को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाए, उसे समझे, जाने, पहचाने। आज की मंजिल मुकदस में मुकदस रुका जो है वो हमें आज ऐसे खाना चाहता है, अपने बाल बाबे चुका जमीन पर सुलह कराने नहीं बल्कि लड़ाई का है, आग लगा है। आश्रम में भी हम कई बार कुछ लोगों को कहते हैं ये आग लगा देते हैं, बुराई को फैला देते हैं, छोटी जो है पहले जाते हैं। ये सुलह हम भी कहते हैं सुलह कराने बल्कि आग लगा है। जब दूसरी तरफ देखें तो वो ऐसी मोहब्बत की आग को भड़काना चाहता है जो हर एक खानदान में हर एक जिंदगी में चलेगा, उसे अमन का शहजादा कहा गया। मुकाश्वर में कहा गया रोजी मशहूर खुदाई का आदर अभ्यर्थी और सलामती का शहजादा, वो सलामती का शहजादा, वो सलामती देना चाहता है। जब मुर्दों में से जिंदा होने के बाद भी शहीदों में जहर होता है तो एक ही बात कहता है, मैं तुम्हें सलामती दिएगा। वो सलामती की बात करता है, शांत की बात करता है, वो चाहते कि ये माशरे में जो लोग अंतरी का शिकार है, फूट फूट का शिकार है, एक दूसरे से पीछे आया, जैसे सास और बहू की लड़ाई मुकाबला हर जगह पे जो है चल रही है, खानदानों में लड़ाई है, बेटी माँ की नहीं सुनती, बेटा बाप की नहीं सुनता, ये वो लड़ाई है जिनके बारे में यीशु बात कर रहा है। और आज माशरे में देखा जाए तो दर हकीकत में ये हो रहा कि सास बहू से जुदा और बहू सास की नहीं सुनती, और बेटा जो है वो बाप से जुदा, बेटा जो है वो बाप की नहीं सुनना चाहता, वो कहता है मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, बेटी जो है वो अपनी मर्जी करती नजर आती है। तो यहाँ पे माशरे में जो है अगर हम रिश्ते टूट फूट का शिकार हुए, खानदान जुदा हो गए, खानदानों में टकर के आ रहे हैं, खानदानों में तकसीम हो रहे हैं, इब्तदाई दौर जब हम अपराधियों के खानदानों की तरफ देखते हैं तो अपराधियों के खानदान क्या था, वो सारे मुद्दे चाचा पाया दादा दादी नाना नानी वो सारे इकट्ठे रहते थे, और बुजुर्ग बच्चों को सिखाते थे, सिखाने वाले थे। जब वो फसल भी मनाते हैं तो फसल की रस्म में क्या था कि सारे इकट्ठे होते, एक ही टेबल पे बैठे होते और एक उससे लिहाज के लिए छोड़ते, और उनका जो बुजुर्ग है वो बच्चों के सवालों के जवाब देता। खानदान बादशाह खानदान जो है आज फूट का शिकार है, खानदान में तकर के आ रहे, झगड़े आ रहे, एक दूसरे पे कबूलियत का जो अंसर है वो खत्म होता जा रहा है। तो वैसे सो आज मुकदस लुका हमें सिखाना चाहता है कि आए इन रिश्तों को इकट्ठा करें, आए इन रिश्तों को यीशु के सलीब के तले मिलाए, जो हमें सलामती और इत्तेहाद बख्श सकता है, जो हमें मोहब्बत और रहमत कर सकता है। आज मेरे से सुबह अपने मुल्क पाकिस्तान की 75 साल आज आज़ादी का दिन मनाते हैं, पाकिस्तान को 75 साल हुए आज़ाद हुए हुए, लेकिन क्या मेरा सवाल है कि यूसुफ उसी जिसने हमें गुनाह से आज़ाद किया, मौत से आज़ाद किया, क्या आज हम गुनाह के गुलाम नहीं है, क्या हम गुनाह की तरफ रागब नहीं होते, क्या हम गुनाह को बनाते नहीं है, क्या अपने गुनाहों से आज़ाद है, क्या आज का इंसान ये कह सके कि मैं वाकई दर हकीकत में आज़ाद हूँ, क्या हम बुराइयों को बनाते नहीं। तो मेरे से यीशु ने हमें खुदा को आज़ाद होने के लिए बुलाया, आज़ाद होने के लिए बेशक वाक्या अगर आज पाकिस्तान के दिन के बारे में बात करूँ तो उसमें हम सब मिलकर कुर्बानी थी, हमारे अबाउजदार ने कुर्बानी थी, हमारे अबाउजदार ने सब कुछ बर्दाश्त किया, और यहाँ तक कि जब तुम पाकिस्तान के बारे में बात कर सकते तो यहाँ तक अल्फाज इस्तेमाल हुए कि जो मौके पर पाकिस्तान को से मिलेगा कब्रिस्तान। हमारे अपने रहनुमा कहा था सीने पे गोली खाकर पाकिस्तान को बनाए,
मेरे शिशु हमारे अभाव कुमार में बहुत सारी कुर्बानी दी और उनके कुर्बानियों में आज और उनका नाम जाना पहचाना जाता है। किसी का भी नाम ले, दीवान सिंह की बात कर दे या दूसरों की बात कर दे, उसने अगर कुर्बानियां दी है तो एक आला मुकाम आला रुतबा आला नाम पाया, उनका नाम आज भी अच्छे लफ्जों में लिया जाता है, अच्छे लफ्जों के साथ उन्हें अनुवाद किया जाता है। लेकिन आज मौजूदा दौर में हम अपने बारे में बात करें, क्या हम खुदा ने एक आजाद वतन तो दे दिया, लेकिन हम तालीम और तरबियत उस लेवल पे आ चुके हैं कि आज हम कह सकते कि मैं आजाद हूं और ये मेरी शरीयत है, ये मेरा मुकाम है। क्या हम आज भी झूठ रेप लालच धोखेबाजी इन सारी चीजों से आजाद है? मेरे शिशु खुदा ने भी आजाद मुल्क दिया है जिसमें हम आजादी के साथ सांस ले सकते हैं, आजादी के साथ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर एसपी दीवान सिंह ने कुछ किया या बाकी लोगों ने कुछ किया तो हम क्या करते हैं? क्या मेरी जिंदगी नमूना नहीं होनी चाहिए? मेरी जिंदगी रोल मॉडल नहीं होनी चाहिए? मैं इस मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए क्या करदार अदा सकता? अगर उन्होंने किरदार अदा किया तो आज उन्हें याद किया जाता है, तो मैं अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए अपना किरदार अदा करता हूँ? उन्हें चाहता हूँ तो हर तरह के गुनाह से आजाद हो जाए, हर तरह से नके की तौर पर जिंदगी का तजर्बा करें, खुदा की मोहब्बत का तजर्बा करें, खुदा के प्यार का तजर्बा करें, खुदा के रहमतों का तजर्बा करें, खुदा की शक्ति और मोहब्बत का तजर्बा करें। मेरे शिशु आए अपने उन कभी बहादुरों के नाम लेते हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, तो आए आज हम अपने दौर की बात करें। बेशक हमने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया, तालीम दिया, यहाँ पे रहने वाले हर वासी को हमने तालीम दी है, लेकिन आज हमारे बच्चे घरों का लेकर देवर से रास्ता नहीं, हम लोगों के घरों के दिए जलाते रहे, वैसे ही होते हुए हमने दूसरों की जिंदगी को रोशन किया, लेकिन आज हम खुद अंधेरे में बैठे हुए हैं। और अगर हम इस अंधेरे से निकलना चाहते हैं तो एक ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो अपनी बात को इल्म की तरफ लेकर जाए, रोशनी की तरफ लेके जाए, क्योंकि इल्म जो है वो अंधेरों को खत्म करने का नाम है। आओ अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए और अपनी कौम की आवाज बने, अभी हमेशा की खुश, हमेशा की राहत, हमेशा के प्यार की तरफ वाइज करें, ताकि हम कह सकें कि हम वाकई जिंदा कौम है। और जिंदा कौम जो है वो घबराती नहीं है, वो परेशान नहीं होती, वो मातम करा नहीं होती, बल्कि उठकर अगर वो खेलता है तो उठकर उसे दोबारा चलने को तैयार है। बेशक हम 3 सालों से सोए हुए हैं, 75 सालों से सोए हुए हैं, लेकिन अब बेदारी का वक्त है। आए बेदार अपने राइट्स के लिए, अपने हकों के लिए, और सबसे बढ़कर अपने बच्चों को तालीम के जेवर से रास्ता करकर उन्हें बड़ी बड़ी पोस्ट जो है उनमें भी जा सकते हैं, वो TSP बन सकता है, वो DC बन सकता है, वहाँ के बैंकों में हम जा सकते हैं, और सिर्फ एक ही जरिया है और वो है तालीम। तो आए तालीम को अपनी जिंदगी का मरकज बनाए, तालीम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, और दुआ है कि खुदा हमारी कौम को बेदार करे, हमारे लोगों को बेदार करे, ताकि इल्म की रोशनी से मुनव्वर होकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें और काम के बेहतरीन सरमाया साबित हो। मुझे खुदा के वसीले से अपने ईमान का इकरार करें, अपने सुलू का इकरार। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का अपने मुतलिक बाप पर जो आसमान और जमीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसके इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, और रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा हमारे मरे में छुपाया हुआ, उसने महंगूस बनाकर उसके हाथ में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, गजब में उतरा, इसके रोज मृतों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया,
की माँ के नाम वहाँ से वह जिंदा और मुर्दों की तारीफ के लिए आने वाला है। मैं मान रखता हूँ गुनाहों की माफी जिस्म के जीवन में और हमेशा की जिंदगी में। ऐसे स्वप्न अपने तमाम प्रसन्न तमाम भाव से राजन खुदा यीशु के पास लाए हैं। खुदा बाप को जिंद में पेश करें दुआ करते अपने रूहानी चपान पापा यादव के लिए कि मेरे पास जैसा खुदा हमेशा उनकी मदद माफ करें। बस इस दुआ करें खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं अपनी 28 28 लाहौर के लिए उनके तमाम कामों के लिए उनके बिशप साहब के लिए तमाम बशर क्षेत्र और तमाम शिष्य से बात करके मेरे पास जिंदा खुदा इन सब की हिफाजत करें। बस इस दुआ करें ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आलमी कृष्ण के लिए दुआ करते हैं उसके तमाम मेम्बरान के लिए कि मेरे पास जिंदा खुदा उन्हें हिकमत और फैम की रोता करें ताकि वो आलमी कृष्ण अपना सरदार मुस्बत और अच्छे तरीके से नपा सके। उसे जो दुआ करें ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। अच्छा दुआ भी करते हैं नेत्र के बेटे के लिए आदित्य के खानदान के लिए जो गुजशत दिन चंद दिन से खुदा में सो गया कि मेरे पास जिंदा खुदा उस बेटी की सारी बशी कमजोरी को माफ करें और मित्र उसके पूरे खानदान को सफे आगे बता करें और उसी सुन दुआ करें दुआ सुन। हम दुआ भी करें सलाना ज्यारत मुकदसा मरियम के रहीम खुदा ज्यारत के तमाम दिनों में तमाम प्रोग्रामों में हम सबों की हिफाजत करें और हम सबों की जिंदगियों से अपने नाम के जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करें ताकि खुदावन के लोग इसी तरह उसकी हजूरी में जमा होते रहें। खुदावन की कलीसिया हमेशा बढ़ती और तरक्की करती रहे। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें हमारी दुआ सुन। मरियम आबाद के तमाम बेटों और बेटियों के लिए इंतजार करते हैं कि रहीम खुदावन इन सबको अपनी खिदमत के लिए बुलाए ताकि ये अपने गीतों के जरिए अपनी आवाज़ों के जरिए और मुख्तलिफ कामों के जरिए खुदावन्द की खिदमत में अपना अपना हिस्सा डालें। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें से दुआएं पढ़ी के तो इस सरकार के साथ मानते हुए उसे भूल कर बख्शते उनका सराम तक पहुँचे उसे गुदाम के लिए सिरे से हो। Thank you.
खुदा जिस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। तूने एक ही ज़बीहा के एक बार कुर्बान होने के जरिए अपने ले वाले पर जरूरत की तौर पर दी है, अपने रहम करम से अपनी कलीसिया को अमन और इत्तेहाद की तकी अता करे। मैं खुदा के वसीले से आमीन। खुदा आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाए, हम ध्यान लगाते हैं। खुदा अपने खुदा का शुक्र अदा करें, ये वाजिब और दुरुस्त है। उसने सिर पर दुख उठा के मैं अपनी मौत से बचाया और मुर्दों में से जिंदा होकर अब हमेशा अपने जिंदगी किया था। इसलिए पृथ्वी और आसमान के तमाम मशीनों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हम दो सरा करते हैं। हमेशा से हमेशा तक आमीन।
हम अपने नजात दिलवाने से आज पाक काबिल ईमान और भरोसे के साथ वही दुआ करें जो खुदा यीशु ने हमें सिखाई है। तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा तुझसे मिन्नत करते हुए समृद्धि से बचा, दिल में सलामती पा ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मुसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। इनके बाद शहर कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। तब खुदा ने यीशु मसीह को भी अपने रसूल से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर निर्भर तो अपनी इज्जत ईमान पर नजर कर सब सलामती तहत कर जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदा की सलामती हर वक्त आप सबके साथ आपके साथ भी हो। तुझे जहान के गुनाहों को उठाया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बदले तुझे जहान के गुनाहों को उठाया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बदले तुझे जहान के गुनाहों को उठाया जाता है, हमें सलामती अनाज कर। उसके बदल के अज़ा
Thank you.
सभी खुदा के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें अपने घर में बुलाया है ताकि हम उसके पाक बदन खून की ज़ियाफ़त में शरीक हो सकें, और उसने हमें इस लायक समझा है कि हम उसके घर में आए। हमारी जो इबादत का वक्त है, आम दिनों में रोज़मर्रा हमारी इबादत का वक्त सुबह 5:30 बजे का है। इतवार की पहली पाक नमाज 6:30 बजे और दूसरी पाक नमाज 8:30 बजे होती है। आप सभी इबादत में शरीक होकर अपने खानदानों, जिंदगियों और घरानों के लिए बरकत हासिल कर सकते हैं। यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ज़ियाफ़त में शरीक हो सकते हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता चंद इतवार से ये ऐलान किया जा रहा है कि बच्चे जो इत्राब और इस्तेहकाम का साक्रामेंट हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो 3 बजे जो है वो चर्च में तशरीफ़ ले आया करें। और आप सब वालिदैन से ये गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को भेजें, उनकी तैयारी करवाएं, सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि घर में भी जब वो होते हैं तो उनको दुआएं याद करवाएं। उनको आप खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून के बारे में और इस्तेहकाम के सैक्रमेंट के बारे में घर पर भी बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा वक्त जो है वो आपके पास गुजारते हैं। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को सिखाएं। और दूसरे नंबर पर जितने भी बच्चे तैयारी के लिए आते हैं, उनके वालिदैन जो हैं उन बच्चों के लिए वाइट सूट का जो है वो बंदोबस्त करें, जो कि पाकीज़गी की अलामत है, ताकि जब बच्चे खुदावंद का पाक रूह हासिल करें और खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून हासिल करें तो वो पाकीज़गी में हों, वो तैयार हों उसको हासिल करने के लिए। इसके अलावा ज़्यारत आने वाली है, 73वीं सालाना ज़्यारत जो 9, 10 और 11 सितम्बर को है। आप सभी इस ज़ियारत को अपने शख्सी दुआओं में, खानदानी दुआओं में याद रखें। अब बहुत से हमारे गांव के लोग जो हैं इस ज़ियारत पर स्टॉल लगाते हैं, दुकानें लगाते हैं, जिनके लिए उनको पेरिस से लेटर दरकार होता है। तो जितने भी लोग दुकान लगाने के लिए, स्टॉल लगाने के लिए लेटर हासिल करना चाहते हैं, बराए मेहरबानी अभी वक्त है, अभी इन दिनों में आप वो लेटर हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए आपको अपना ख़ानदानी कार्ड कंप्लीट करना होगा, जैसे कि मैंने बताया गया कि 2 सैक्रामेंट जो हम लेते हैं, इस्तेहकाम का सैक्रामेंट, इसमें हमें खुदा का रूह कुदस मिलता है, खुदा का पाक रूह मिलता है, और इत्राफ़ के सैक्रामेंट के ज़रिए से हम यीशु के पाक बदन और खून को हासिल कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हम खुदावंद से ले लेते हैं, लेकिन अभी हमारी बारी है कि हम खुदावंद को देते क्या हैं। तो बराए मेहरबानी अपने कार्ड जो है वो भी कंप्लीट किया करें। हम खुदावंद से हमेशा बरकतें, हमेशा रहमतें, उसके फ़ज़ाइल पाना चाहते हैं, लेकिन हम कभी अपनी ज़िंदगी से उसे कुछ नहीं देना चाहते। और खुदावंद कहता है मुझे वो लोग पसंद हैं, वो लोग अजीज़ हैं जो खुशी से देते हैं। तो इसलिए अपने हाथों को भी खोलें, तो अपने कार्ड जो है वो कम्प्लीट करें। 16 अक्टूबर को
बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस जॉर्ज हैं सुखे की मंडी में तशरीफ लाएंगे और बच्चों को इस्तेकाम का सैक्रामेंट जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा ज्यारत के लिए आप सभी जानते हैं तीसरे दिन हमारी क्वायर होती है जो आपकी पात्मा से होती है, तो इबादत के बाद जितने भी बच्चों ने क्वायर के लिए अपने नाम लिखवाए हैं वो इबादत के बाद यहीं पर बैठे हैं। गुजारिश है कि जो बच्चे अभी तक स्कूल नहीं आ रहे हैं खासतौर पर जो 10th क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल 9th का एग्ज़ाम दिया है वो अभी तक स्कूल में वापस नहीं आ रहे, वालदैन से गुजारिश है गुज़श्ता हफ्ते से स्कूल जो है वो चल रहा है, तो तमाम बच्चे जो है उनकी अटेंडेंस जो है वो ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ों में समझौता हो सकता है लेकिन कोशिश करें कि तालीम को समझौता ना हो। खुदा पर मानता है जो मेरा दोस्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा। खुदा हम दुआ मांगे खुदा हमारे खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं मैं अपने रहम के मुताबिक पूरे राज का काम करें मेहरबान होकर हमें वरूह पैदा कर जिससे हम खुद खुद सरगर्मी के साथ सब कुछ तेरी पसंद से मुआफ़ी करें खुदा के वसीले से खुदा बाप और बेटे और बेटे जैसी बरकत आप सब बनासर हो और हमेशा तक कायम रहे, हमारी इबादतों की हमेशा खुशी और सलामती में रहे और आप सबको यौमी आज़ादी अपने मुल्क की 75वीं साल आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आप जोरदार ताली के साथ